अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति संगठन के जुझारू एवं कर्मठ प्रदेश महासचिव मुरली मनोहर सरोज की पत्नी सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस दौरान पत्रकार एवं सरोज की धर्मपत्नी की स्थिति नाजुक हो गई थी, जिन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर से दिल्ली एम्स के लिए रेफर कर दिया गया था। इस दौरान आनन फानन में मुरली मनोहर सरोज अपनी पत्नी को लेकर रात में ही लखनऊ ट्रामा सेंटर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे और जब वे आगरा एक्सप्रेस पर पहुंचे इस दौरान उनकी गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जिससे कार में सवार सभी लोग बुरी तरह से जल गए और उनकी मृत्यु हो गई। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति संगठन के प्रदेश महासचिव एवं सरोज तथा उनकी पत्नी एवं उनके साथ कार में सवार परिवार वालों की दुखद खबर सुनकर अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति संगठन के परिवार में शोक छा गया। वहीं जनपद संभल में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति संगठन ने जिला मुख्यालय पर पत्रकार मुरली मनोहर सरोज की तस्वीर पर माल्यार्पण कर शोक सभा आयोजित की और 2 मिनट का मौन धारण कर एवं सरोज व उनके परिवार वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की और भगवान से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की, जिसमें जनपद संभल के अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार साथी मुरली मनोहर सरोज जी एक सड़क हादसे में, मैं परिवार सहित उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके लिए हम पूरे जनपद के जिले के पूरे पत्रकार जो हम ABPS संगठन में एकजुट इस टाइम हैं, उन्होंने सबने आज उनके लिए श्रद्धांजलि का यहाँ पर दो मिनट का मौन रखने का कार्य किया है, उनके लिए श्रद्धांजलि दी है और उनकी आत्मा की शांति की हम सब लोगों ने प्रार्थना की है। इतनी बड़ी दुखद घड़ी में हमारा संगठन उनके परिवार के साथ है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दें।